For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Tiger Shroff से पूछे गए कई सवाल जिसका जवाब उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में दिया कि I'm sure आप सब सुन के काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाएंगे. जी हाँ, वेल, जब हाल ही में बातचीत के दौरान टाइगर श्रॉफ से पूछा गया कि उन्हें कौन लगता है बॉलीवुड का चीता, तो उन्होंने कहा ऋतिक रोशन मुझे बॉलीवुड के चीता लगते हैं क्योंकि ही इज एन ओवरऑल आर्टिस्ट, व्हाटएवर ही डज इट विद ग्रेस एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन बॉलीवुड का लायन लगता है, तब उन्होंने कहा कि बॉलीवुड का एक ही शहंशाह और एक ही लायन है और वो है नन अदर देन सलमान खान. जी हाँ, सलमान खान को लायन करार कर दिया है. इनफैक्ट बातचीत के दौरान टाइगर ने यह भी कहा कि सलमान खान इकलौते ऐसे स्टार है जिनका अगर सिर्फ ब्रेसलेट का भी अगर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो उस पर भी शायद उससे ज्यादा फॉलोअर्स होते. साथ ही साथ उन्होंने मस्ती मजाक में हंसते हुए इस बात को कहा, दैट इज हिज स्टारडम बिकॉज यू कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ सलमान खान स्टारडम. वेल, ये तो टाइगर श्रॉफ ने कह दिया. और हम सब सभी जानते हैं कि यू नो जैकी श्रॉफ कितने अच्छे दोस्त हैं सलमान खान के हमेशा से. हमने उनको भारत में भी उनके साथ काम करते देखा था और उसके बाद अब राधे में भी नजर आने वाले हैं जैकी श्रॉफ सलमान खान के साथ. तो कहीं ना कहीं सलमान और जैकी की जो बॉन्डिंग है वो टाइगर में भी कहीं ना कहीं झलक के नजर आ रही है. टाइगर के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि सलमान खान इज द ओनली लायन ऑफ बॉलीवुड, इस पर आपका क्या कहना है या आप मुझे कॉमेंट्स करके बताइए. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. So the way we dress. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति रहा एंड वेलकम टू मूवी सड्डा. सलमान खान एक ऐसे मेगा स्टार है जिसको खुद अपनी स्टारडम का अंदाजा नहीं है. अगर बात की जाए जिस तरीके से फिल्म्स होती हैं, जिस तरीके से एक्टर्स उनके साथ काम करते हैं, जिस लेवल की परफॉर्मेंसेस वो करते हैं, ऐसे में सलमान खान का स्टारडम इतना हाई है कि शायद एक्टर्स इंटिमिडेट हो जाएं. लेकिन सलमान की हम्बलनेस भी इतनी है कि एक्टर्स जो हैं वो इंटिमिडेट नहीं होते हैं उनसे. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दिशा पाटनी की, जो कि सलमान के साथ हाल फिलहाल में भारत में नजर आई थी और ज़्यादा रोल नहीं बट एक छोटा सा रोल था. बट उसके बावजूद दिशा को काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिला था जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने किया था सलमान के साथ. उसके अलावा 5 बार ऐसे सिचुएशंस मैं आपको बताती हूँ, ऐसे 5 इंसिडेंट्स बताती हूँ जहाँ पर दिशा ने सलमान खान की खूब तारीफ की है. सबसे पहले शुरुआत करूँगी एक बार जब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जब दिशा से पूछा गया सलमान के बारे में, तो उन्होंने कहा जब पहली बार वो सलमान के साथ काम कर रही थी तब उन्होंने कहा दैट सलमान खान इज सच अ स्वीट पर्सन, आई हैव नेवर फेल्ट इंटिमिडेटेड बिकॉज ही मेक्स एवरीवन कंफर्टेबल. दैट मीन्स कि ऑफकोर्स क्योंकि दिशा पाटनी पहली बार सलमान खान के साथ काम कर रही थी, जिस वजह से जायज है उनका ये सोचना कि शायद सलमान जो है उनका स्टारडम थोड़ा सा भारी पड़ सकता है मुझ पर. लेकिन कहीं ना कहीं सलमान वॉज सो हम्बल एंड उन्होंने हमेशा से दिशा को जो है सेट्स पर कंफर्टेबल फील कराया. उसके अलावा अगर सेकेंड टाइम की मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा जिस तरीके से सलमान खान आपको अगर साइन करते हैं, पहली बार जब साइन किया तब जब दिशा पाटनी को फर्स्ट टाइम साइन किया गया था भारत के लिए, उसके बाद जब सेकंड टाइम वापस उन्हें राधे के लिए साइन किया गया, शी सेड आई एम वेरी लकी टू गेट अनदर फिल्म विद सलमान खान एंड ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ये चीज़ दिशा पाटनी ने कही सेकंड टाइम जब उन्होंने सलमान की बात की, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत में मुझे छोटा सा रोल दिया गया था लेकिन जिस तरीके से अब एक पूरी फुल फ्लेश्ड फिल्म मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है, ये कहा दिशा पाटनी ने. थर्ड टाइम जब बातचीत के दौरान उनसे जब पूछा गया सलमान खान के बारे में, तो उन्होंने कहा राधे के बारे में जब पूछा गया कि राधे के बारे में कुछ बताइए, तो शी सेड कि सलमान सर हैज़ अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर और राधे का जो कंटेंट है वो भी मुझे बहुत पसंद आया. जब उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई गई राधे की तो जिस तरह का कॉप ड्रामा है, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, वो सब कुछ उन्हें पसंद आया है और ऑडियंस जो है वो सलमान को कॉप ड्रामाज में देखना बहुत पसंद करती है. तो दिशा ने ऐसा कहा दैट सलमान सर हैज़ अ वेरी डिफरेंट ऑरा और राधे का कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि मुझे हाँ करना ही पड़ा राधे को लेकर. उसके बाद फोर्थ टाइम जब दिशा पाटनी से वापस सलमान खान के बारे में उनसे पूछा गया, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत के दौरान बताया राधे के बारे में, उन्होंने कहा दैट अगेन वर्किंग विद सलमान खान इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. सलमान खान फिल्म कंटेंट, राधे's फिल्म कंटेंट इज वेरी नाइस. और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दैट स्मॉल कंटेंट वॉज ऑल्सो गुड व्हेन आई डिड स्मॉल पार्ट इन भारत, बट वहाँ पर मुझे उम्मीद से ज़्यादा स्मॉल कंटेंट मिला था, लेकिन यहाँ पर दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम टू, जब मुझे फुल फ्लेश्ड रोल मिल गया है व्हाट बेटर देन दिस. तो कहीं ना कहीं ये तो दिशा ने कह दिया. उसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ पर दिशा ने सलमान की तारीफ की और वो थी डांसिंग. जी हाँ, काफ़ी एक्टर्स का अपना एक यूनिक डांस स्टाइल होता है, चाहे वो गोविंदा हो, चाहे वो प्रभुदेवा हो, दिशा हो, जो भी हो. ऐसे में सलमान के साथ जिन भी एक्टर्स ने काम किया है, दिशा का कहना है कि
यू हैव टू डांस अकॉर्डिंग टू सलमान खान बिकॉज ही हैज हिज ओन चार्म, ही हैज हिज ओन ऑरा ऑफ डांसिंग. एंड उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दैट्स व्हाट यू कॉल सलमान खान स्टाइल. तो कहने के सलमान के स्टाइल को डिफरेंट और एनर्जेटिक बता दिया है दिशा ने. सो दीज वर द 5 times व्हेन दिशा पाटनी लिटरली चीयर्ड फॉर सलमान खान एंड ऑलवेज सेड दैट सलमान खान इज अ हम्बल, नॉन इंटिमिडेटिंग एंड अ वेरी यू नो गोल्डन मैन विद अ गोल्डन हार्ट पर्सनैलिटी. सो ये दिशा का कहना था. आपका क्या कहना है ये आप मुझे कॉमेंट्स करके बताइए. दिस इज ज्योति ना साइनिंग ऑफ. तू कल्लाई सोना नहीं ज्यादा ना बढ़िया कर वे. फाइनली ये ट्रैक आउट हो चुका है. यस वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक. कल्ला सोना नई ट्रैक आउट हो चुका है एंड आई मस्ट से इट इज अ ट्रीट टू वॉच आसिमांशी टुगेदर. जी हाँ, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये गाना है, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हिमांशी और आसिम लग रहे हैं इस गाने में. और इनकी जोड़ी ने तो धमाका मचा दिया है. एंड आई मस्ट से कि यू नो जितना ज़्यादा बिग बॉस के घर में ये खूबसूरत लगते थे एक साथ, उससे कहीं ज़्यादा बाहर लग रहे हैं. गाने का होल एंड सोल आसिमांशी का यू नो जो आसिमांशी की जो एक कनेक्टिविटी नज़र आती है, एक केमिस्ट्री नज़र आती है, वही है इस गाने का होल सोल. क्योंकि गाना हमने पहले सुना हुआ है अखिल की आवाज़ में संजीदा शेख को रिप्रेजेंट करते हुए ये गाना है, लेकिन इसका फीमेल वर्जन नेहा कक्कड़ की आवाज़. ऑफ कोर्स एक तो जब देखने को दो इतने खूबसूरत लोग हों और सुनने को एक इतनी खूबसूरत आवाज़ हो तो डेफिनेटली गाना जो है वो बैंग ऑन हो जाता है. रजत ने इस गाने को यू नो म्यूज़िक दिया है और ऐसे में ये गाना देसी म्यूज़िक फैक्ट्री ये गाना लेकर आए हैं. एंड आई मस्ट से दिस सॉन्ग इज़ अ प्लेजर फॉर द ईयर्स. क्योंकि आप जितना इस गाने को सुनोगे उतना ज़्यादा आपको आसिमांशी पे प्यार आएगा. आई एम श्योर कि आसिम स्क्वाड जो है वो इस गाने को ट्रेंड ज़रूर करवाएंगे. क्योंकि जब गाना अनाउंस हुआ था तब भी ट्रेंड किया था, आसिमांशी डेब्यू भी कल ट्रेंड कर रहा था, और आज ये गाना रिलीज़ हो चुका है तो डेफिनेटली आज भी ये गाना ट्रेंड करेगा ट्विटर पर. और मुझे ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद आया. जो छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में आसिम और हिमांशी के क्यूट मोमेंट्स दिखाए गए हैं, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से यू नो प्यार का इजहार कर रहे हैं, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ओवर यू नो क्यूट सॉन्ग है. मुझे बहुत 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 पसंद आया. अब इंतज़ार है मुझे सिडनास के सॉन्ग का, क्योंकि पारस महिरा का ट्रैक भी बहुत अच्छा था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया. अब आसिमांशी का ट्रैक भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ अ फैबुलस सॉन्ग विद अ फैबुलस वॉइस. ऑफ कोर्स नेहा कक्कड़, हु बेटर देन नेहा कक्कड़ फॉर दिस सॉन्ग. एंड मुझे गाना बहुत पसंद आया. बाकी आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा. तू कल्लाई सोना नहीं, आप किस किस को ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है. जी हाँ, और यहाँ पर सलमान ने जो पिछली गलती की थी उससे वो सीख रहे हैं. जी हाँ, वेल हेलो गाइज वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. और फाइनली सलमान की तरफ से एक ये खबर सामने आ रही है कि राधे को लेकर सलमान खान बहुत एहतियात बरत रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि ऑडियंस के दिलों दिमाग पर ये फिल्म जो है वो जेन्युइनली असर छोड़नी चाहिए. और वो इसीलिए भी क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में जो रही हैं, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस अच्छा किया है, चाहे दबंग हो चाहे भारत हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस और क्रिटिक्स को उतना ज्यादा खुश नहीं कर पाई हैं फिल्में. चाहे अगर मैं बात करूं भारत की, तो काफी लोगों ने कंप्लेन की कि ये फिल्म की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है. फिर काफी लोगों ने इस बात की कंप्लेन की दबंग से कि बहुत सारे गाने अननेसेसरली एडेड हैं उस फिल्म में. उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेस 3 को भी काफी ज्यादा एक्लेमेशन नहीं मिला था अच्छी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर. लेकिन अब सलमान जो है वो एहतियात बरत रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वो अब चेंज करने जा रहे हैं अपनी राधे में, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन, जिसके लिए उन्हें पहले कहा गया था क्योंकि फिल्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी. चाहे वो रेस की बात हो, चाहे रेस 3 की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो, या फिर दबंग 3 की, ये तीनों ही फिल्में लेंथ वाइज काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई थी कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फिल्म्स हैं. तो यानी कि सलमान खान ने इस बार डिसाइड कर लिया है कि राधे की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन सिर्फ 2 घंटे की होगी. क्रिस्प वर्क एंड शॉर्ट एंड यू नो फास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी, किस तरीके से ज़्यादा लेंथ नहीं खींचा जाएगा उस फिल्म का. उसके अलावा जो सेकंड प्रिकॉशन लिया है सलमान ने वो ये है कि राधे में ज़्यादा से ज़्यादा गाने नहीं होंगे. जी हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक सुना. राधे में सिर्फ कुल मिला के 3 सॉन्ग्स होंगे और चौथा सॉन्ग तब होगा जब वो फिल्म के आउटसाइड होगा, यानी कि एक प्रमोशनल ट्रैक होगा, विच इज़ येट नॉट श्योर. यानी कि कुल मिला के सिर्फ 3 गाने होंगे राधे फिल्म में, जहाँ ज़रूरत है वहीं रखे जाएंगे गाने. तो अब ये तो सलमान ने यू नो ज़रूरी प्रिकॉशंस ले
लिए अपनी पुरानी फिल्मों से जो उन्हें क्रिटिसिज्म मिला, जो भी सुधार करने के चांसेस थे, वो सब अब सलमान जो है वो सुधार करके राधे लेकर आने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि राधे इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर हिट, ऐसा मुझे लगता है और मुझे भरोसा है इस चीज़ पर। आपको क्या लगता है और राधे के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।